गाड़ी वाले चल ट्रॉली चलते रहे चलते रहे चलते रहे शेफ पहले चली गई ये भी चली गई क्या करूँगी मैं अकेली वो भी नहीं आए काला कपड़ा पीछे ले और दूसरा क्या पहले ये फोन कट पे लाइटिंग करा देते हैं ना फोन कट इधर रेडी है रेडी इधर ही है उसमें डायलॉग पड़ा भी बोला नहीं नजरें मिली आरती से फोर्स स्माइल हुआ टेंशन वाला थोड़ा और बढ़ा लीजिए हाँ और ये भी एक ले लीजिए जो ये आरती जा रही है माइक ले लो विकास जी सपोर्ट तो मुझे हर समय चाहिए होता है यहाँ पे क्योंकि डांस सीक्वेंस है और मेरा पहला एपिसोड मेरा पहला डांस पुनर्विवाह का इसी सेट पे हुआ था मार क्यों रहा है और ये लास्ट डांस परफॉर्मेंस है तब भी हबीबा माँ ने किया था आज भी हबीबा माँ है तो इसीलिए बस हाथ पकड़ के खड़ी हूँ अच्छा कृतिका जानना चाहेंगे आज आप जो डांस कर रहे हैं वो किस लिए एक्चुअली देखिए अब पुनर्विवाह वन खत्म हुआ है तो अब आरती किसी तीसरे को बुला रही है देर ना हो जाए कहीं उससे पहले शो खत्म हो जाए आ जा तो किसी की शादी में आई है आप अच्छा आई डोंट नो अच्छा आरती उसको क्या सलाह देना चाहेंगी सरिता को क्या सलाह देना चाहेंगी आरती जैसे आरती ने पूरा घर संभाला वैसे ही कुछ हाँ यही बोलूंगी कि बी पॉजिटिव बिल्कुल आरती की तरह क्या बोलूँ आरती थी या अच्छा आरती आपको जनता बहुत मिस करेगी जो आरती को बहुत पसंद करते थे प्यार करते थे वो चुलबुली आरती चली जाएगी क्या कहेंगे वो चुलबुली आरती नहीं थी वो तो कृतिका है आरती तो बहुत ही समझदार लड़की थी है मतलब पर हम मिलेंगे वापस आई मीन ऑफकोर्स इन अनदर शो वैसे मैम आपसे जानना चाहिए जैसे इन्होंने कहा पहला जब डांस था आप ही ने इन्हें सिखाया था आज भी डांस आपने सिखाया कितना फर्क देखती हूँ इन इस दौर में इस दौर में ये जैसे जैसे करती गई मंचती गई है मतलब और प्रोफेशनल होती गई है और मेरी दुआ है कि हमेशा ऐसी प्रोफेशनली काम करे आज का जो शो है शुरू हमसे हुआ ख़त्म हमसे हुआ
लेकिन हम मिलते रहेंगे बेटा. नहीं डोंट क्राई बच्चा, रोते नहीं यार. अच्छा आरती तो बहुत एकदम सीधी सादी भोली भाई थी, लेकिन कृतिका बहुत चुलबुली है, बहुत मस्ती हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मुझे ऐसे चुलबुली अच्छी लगती है. आरती थी सीरियल के हिसाब से, वो बड़ा बाकायदा उसने अपने रोल को निभाया जैसे कि आप सबने देखा, इसीलिए इतना शो चला. और वैसे कृतिका कार्तिक, मैं उसको कार्तिक भाई बोलती, मैंने उसको कभी लड़की समझा ही नहीं. तो आज झांसी की रानी रही मेरे लिए हमेशा. लेकिन उसने जब पुनर्विवाह किया तो मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी अच्छी तरीके से इस रोल को निभाएगी, और बहुत बखूबी निभाया. कृतिका आप कितना मिस करेंगे? अभी इतने इमोशनल क्वेश्चन मत पूछे प्लीज, मुझे इसके बाद परफॉर्म भी करना है. अब मैं चाहती नहीं मेरा मेकअप खराब हो. मिस करोगे? हम आगे डेली आपका सर खाते थे. तुम लोग का बस चले तो तुम लोग तो घर में भी घुस आओ. घुस आएंगे. मैं ऑफ कोर्स आई मिस एवरीवन, एवरीवन इनफैक्ट आई विल नॉट मिस मच ऑफ माय को एक्टर्स, बिकॉज हम जानते हैं शूट होने के बाद, शो खत्म होने के बाद हम मिलते रहेंगे, बट हम अपने टेक्नीशियंस को मिस करेंगे, हम अपने लाइट दादा को मिस करेंगे, स्पॉटमैन को मिस करेंगे, हम इन सब को मिस करेंगे जिनसे हम शूट के बाहर नहीं मिल सकते. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव, एक्टर्स, इन सब से हम, इनफैक्ट हमने प्लानिंग भी कर ली है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन डिनर पे जाएंगे. आई नो ये ऐसा हो नहीं पाएगा, एवरीवन विल बी वेरी बिजी, बट या वील मिस द प्लेस, वील मिस द एम्बियंस. सुबह सुबह वो विधि भाभी का चलाना, मेरे बाल ऐसे मेरे बाल वैसे, दिशांक और अक्षय का गंदी तरह से गाना गाना, गुरमीत का हमेशा अपने कमरे में पड़े पड़े सोते रहना, और यू नो डायरेक्टर टांग खींचते रहते हैं मेरी, बच्चे अंश, यस आई मिस देम टेरिबली. वेरी सून. वेल ये जर्नी आप सबके बिना बिल्कुल अधूरी थी. आप लोग ने बहुत प्यार दिया, आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया, विश्वास किया कि कृतिका जो एक झांसी की रानी थी वो आरती भी बन सकती है, और उसी प्यार उसी विश्वास ने आज पुनर्विवाह को इस मुकाम में पहुंचाया है. दुख है इस बात का कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि हमने स्टोरी को खींचा नहीं. हमें जैसे ही लगा कि अब स्टोरी को दी एंड हो जाना चाहिए, पुनर्विवाह जिस एक सोशल मैसेज के साथ आया था वो सोशल मैसेज हमें जैसे ही लगा हमने दे दिया है. हमने बाकी शोज़ की तरह अपने शो को नहीं खींचा, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट. बट येस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस आर गेटिंग अपार्ट, सब अलग अलग जा रहे हैं, तो उस बात का थोड़ा सा गम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन गुड स्पिरिट. कोई अच्छी मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे? एक तो मेमोरी है ही नहीं, एवरी डे आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर डे वन जब मैं आई थी तो मैं कैसी थी और अभी लास्ट डे मैं कैसी हूँ. सो या ऑल गुड मेमोरीज, थैंक यू, थैंक्स, बाय. जी पुनर शो का नाम है पुनर्विवाह, तो शुरुआत ही विवाह से हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लक एंड बहुत मज़ा आ रहा है. यहाँ पे डांस सीक्वेंस शूट हो रहा है एंड वैसे मुझे तो टेंशन में होना चाहिए क्योंकि मेरा दूल्हा अभी तक आया नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि दूल्हा कब आएगा, और पता भी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, शादी होगी भी या नहीं होगी. आरती आई थी आपको कुछ प्रस्ताव करने के लिए, तो कुछ इस बार बताना, आरती क्या कहना चाहती थी आपको? आरती मुझे सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कोई बात नहीं, दूल्हा आएगा, ज़रूर आएगा, तो इंतज़ार कर, और गाना भी आई थिंक उसी से मैचिंग है, तो वो सिर्फ मुझे ये क्या बोलते हैं उसे हौसला देने आई थी कि वो आएगा, ज़रूर आएगा. कहना कि लग रहा था कि आप भी कहीं बीच में जाए, कुछ चुटके लगा दे या? मेरा तो बहुत मन कर रहा था, मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है, मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे कब मौका मिले और मैं डांस करूं. अभी तो वैसे मुझे नहीं लगता मुझे मौके मिलने वाले हैं, बट अभी बहुत खुश हूं. थोड़ा मैं अपने अंदर ही थोड़ा थोड़ा नाच रही थी, मैं बहुत मस्ती कर रही थी अपने अंदर अंदर, पर मुझे मौका तो मिलने वाला नहीं है. नर्वसनेस है क्योंकि जब बात पुनर्विवाह की कर रहे तो वो हिट रह चुका है, अब जब आपको उसी की कदम पे चलना है, उसी राह पे चलना है, तो कहना का नर्वसनेस है कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड. पुनर्विवाह हैज बीन अ हिट एंड सो आई होप एंड यू नो आई रियली प्रे टू गॉड कि ये वाला भी पुनर्विवाह बहुत हिट हो और ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करे. आई नो थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बट आई जस्ट होप कि ऑडियंस एक्सेप्ट करे, हमको भी उतना ही प्यार दे, उतना ही पसंद करे जितना पहले पुनर्विवाह को पसंद किया. आपने फॉलो किया पुनर्विवाह? मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है, सच बोलूँगी थोड़ा थोड़ा, बीच में टाइम नहीं मिला था, मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी तो पहले टाइम नहीं मिला, पहले टाइम मिलता था फिर बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए फॉलो नहीं कर पाई. अच्छा,
मुझे लगता है शादी होगी और उसके लिए अभी आपको देखना पड़ेगा पुनर्विवाह, आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि शादी होगी या नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।